हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे इंडियन मार्केट पे टॉप 10 बाइक्स के बारे में जिसका प्राइस है 2,20,000, क्योंकि 2023 में बहुत सारे बाइक अवेलेबल हो चुका है मार्केट पर। सो आप अगर एक न्यू बाइक के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 बाइक्स के बारे में एंड कौन सी बाइक के अंदर आपको ज्यादा फीचर्स मिलता है, माइलेज आपको ज्यादा मिलता है, टॉप स्पीड ज्यादा मिल जाता है, स्पेसिफिकेशन आपको बेटर देखने को मिलता है। इसके कारण आज के वीडियो होने जा रहे हैं, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। तो आई एम सुदीप फ्रॉम द रिव्यू जीरो पर राइडर एंड आप सभी को रिव्यू सलाम। सो आज का ये लिस्ट स्टार्ट होता है सुजुकी ज़िगज़ैग 250 से एंड इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की बात किया जाए तो 2,15,000 आपको देना होगा। आप अगर सुजुकी ज़िगज़ैग 250 लेना चाहते हो तब आपको यहाँ पर सुपर वाइड टायर देखने को मिलता है, 150 सेक्शन का टायर मिल जाता है, फ्रंट पर आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है, ड्यूल चैनल ABS का सपोर्ट है, आपको बाइक काफी फ्यूचरिस्टिक एंड यहाँ पर आपको ऑयल कूल की यूज हुआ है जिससे 249 सीसी होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर 45 प्लस माइलेज देखने को मिल जाता है। एंड इस बाइक की अगर पावर की बात किया जाए सो लगभग आपको यहाँ पर 26.5 BHP पावर एंड 22.2 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। फोर स्टॉक की बाइक है, सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल पे चलने वाली बाइक है, इसलिए आपको यहाँ पर 45 प्लस माइलेज भी देखने को मिलता है। ये अपने सेगमेंट के अंदर हिसाब से सबसे बढ़िया एंड सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक से, क्योंकि आपको यहाँ पर 6 बिट गियरबॉक्स भी देखने को मिल रहा है। नंबर 2 पर आता है टीवीएस कोड से रॉनिन 225, आपको यहाँ पर काफी फ्यूचरिस्टिक फीचर्स देखने को मिल जाता है। इवन इस बाइक के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स, राइडिंग मोड्स, USD सस्पेंशन एंड ब्लॉक कैटेगरी के टायर भी देखने को मिल जाता है। इस बाइक को लेकर आप चाहो तो ऑफ रोड भी कर सकते हो एंड 225 सीसी के सेगमेंट के अंदर सबसे बढ़िया फ्यूचरिस्टिक बाइक आप इसको कह सकते हो। आपको यहाँ पर जो इंडिकेटर्स मिलता है LED के साथ, आपको पावर की भी कोई कमी नजर नहीं आएगा, आपको यहाँ पर लगभग 20 BHP की पावर प्रोवाइड किया गया है, 45 प्लस माइलेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। TVS Ronin अपनी सेगमेंट की सबसे बढ़िया एंड बेस्ट बाइक है एंड सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक्स के अंदर भी इस बाइक को गिना जाता है। नंबर 3 पर आता है होंडा हॉर्नेट 2.0। होंडा हॉर्नेट 2.0 की ऑन रोड प्राइस की अगर बात किया जाए 160,000 के अंदर आपको ये बाइक प्रोवाइड किया जाएगा एंड इस बाइक के अंदर आपको गोल्डन कलर का USD सस्पेंशन ऑफर किया गया है, 140 सेक्शन का टायर है, आपको यहाँ पर 45 प्लस माइलेज भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर पावर की अगर बात किया जाए सो पावर आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है जो कि 17 BHP की पावर है एंड 16.1 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको मिल जाता है, 184 सीसी का इंजन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, माइलेज भी अच्छा मिलता है। इवन यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर से लाइटिंग वगैरह है सारे के सारे आपको LED के साथ ही प्रोवाइड किया जा रहा है। सो बाइक 180 सेगमेंट के अंदर सबसे बढ़िया बाइक है होंडा हॉर्नेट 2.0। 200 सेगमेंट के अंदर सबसे बढ़िया बाइक है RS 200 एंड NS 200। RS एंड NS दोनों बाइक काफी दिनों से इंडियन मार्केट पे राज करते हुए आ रहा है एंड इस बाइक के अंदर आपको 24.5 BHP पावर मिल जाता है। दोनों ही बाइक्स पर आपको दोस्तों लिक्विड कूलिंग के साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स के ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व की बाइक आपको नजर आ जाता है। इवन दोनों बाइक्स के अंदर आपको ABS का ऑप्शन मिलता है, NS 200 पर आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, RS 200 पर आपको ड्यूल चैनल ABS प्रोवाइड किया गया है। इन दोनों बाइक्स की अगर प्राइस की बात किया जाए सो NS 200 के प्राइस है 1,70,000, RS 200 की स्टैंडर्ड वेरिएंट के प्राइस है 1,71,000। इस बाइक के अंदर आपको पावर का कोई कमी नजर नहीं आएगा, इवन आपको काफी फ्यूचरिस्टिक फीचर्स भी देखने को मिल जाता है, बट आप थोड़ा सा पावर एंड थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक फीचर्स की और भी ओर जाना चाहते हो तब जाके आपको TVS अपाची RTR 204B की ओर जाना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे फीचर्स मिल जाता है जो आपको NS एंड RS पर नहीं मिलता है, जैसे कि स्मार्ट कनेक्टिविटी के फीचर्स, टर्न बाय टर्न नेविगेशन के ऑप्शन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स, आपको यहाँ पर एडजस्टेबल गियर के ऑप्शन, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, यहाँ पर आपको ड्यूल चैनल ABS के ऑप्शन, राइडिंग मोड्स एंड इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की अगर बात किया जाए सो दोनों वेरिएंट आता है सिंगल चैनल ABS एंड ड्यूल चैनल ABS। पर सिंगल चैनल ABS लेना चाहते हो तब जाके आपको दोस्तों यहाँ पर 1,65,000 रुपीज देना होगा ऑन रोड प्राइस, बट आप अगर ड्यूल चैनल ABS लेना चाहते हो तब जाके आपको 1,70,000 देना होगा इस बाइक्स के लिए। बात किया जाए 350 सेगमेंट की बाइक्स के बारे में सो यहाँ पर एक ही नाम है 350 हंटर जो कि रॉयल एनफील्ड की ओर से आता है। इवन ये बाइक इंडियन मार्केट पे आने के बाद रॉयल एनफील्ड की सेल फिगर 35% इंक्रीज हो चुका है सिर्फ और सिर्फ इस बाइक की वजह से। आपको यहाँ पर ऑन रोड प्राइस
प्राइस की अगर बात किया जाए इस बाइक की 170,000 से लेके 190,000 इस बाइक की ऑन रोड प्राइस आता है अकॉर्डिंग की इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से। एंड इस बाइक की जो सीसी आपको 350cc इंजन के साथ लगभग 20 bhp की पावर मिल जाता है। यहाँ पर आपको नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है, USB चार्जिंग स्लॉट का ऑप्शन मिलता है। इवन 350cc होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर 40 तक माइलेज भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड ये अपनी सेगमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट एंड सबसे बढ़िया बाइक है 350 सेगमेंट के हिसाब से। यामाहा आयरन 5 वर्जन 4 एंड यामाहा MT-15 2.0 दोनों बाइक काफ़ी पावरफुल है एंड दोनों बाइक्स के अंदर आपको काफ़ी फ्यूचरिस्टिक फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। इवन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स, USB चार्जिंग स्लॉट, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है इन दोनों बाइक्स के अंदर। इन दोनों बाइक्स की जो सबसे बढ़िया एंड फोकसिंग पॉइंट है वो है USD सस्पेंशन एंड 140 सेक्शन का टायर। आरन 5 वर्जन 4 की ऑन रोड प्राइस की बात किया जाए तो लगभग आपको 2,15,000 तक आपको जो है ऑन रोड प्राइस देना होगा। बट आप अगर MT-15 2.0 को परचेस करना चाहते हो तब जाके आपको 2 lakh rupees देना होगा। आप बात करते हैं 160 सेगमेंट के बाइक्स के बारे में, तो सबसे बढ़िया बाइक है 160 सेगमेंट के अंदर बजाज पल्सर N160 रिसेंटली लॉन्च किया गया है। एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है जहाँ पर आपको 16 bhp की पावर मिलता है, 50 प्लस माइलेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बाइक के अंदर ड्यूल चैनल ABS का सपोर्ट है, 130 सेक्शन का टायर है, USB चार्जिंग स्लॉट एंड आपको यहाँ पर इनप्रिंटेड डिस्प्ले के साथ गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट पर सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है बाइक। एंड इस बाइक के लिए बजाज की सेल्स सिर्फ और सिर्फ 40% इंक्रीज हो चुका है। सो N160 बढ़िया फीचर्स एंड N160 बढ़िया सेगमेंट की बाइक है 160 सेगमेंट के अंदर। आप बात करते हैं आप थोड़ा सा अगर फ्यूचरिस्टिक बाइक चाहते हो, थोड़ा सा आपको पावर ज़्यादा चाहिए, तब जाकर आपको TVS Apache 164B कोर जाना चाहिए। इसका टोटल 4 वेरिएंट आता है बट जो स्मार्ट कनेक्टिविटी के फीचर्स आता है जहाँ पर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, इसका प्राइस की अगर बात किया जाए 160,000 तक आपको देना होगा। इस बाइक के अंदर आपको एडजस्टेबल क्लच लीवर, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर एंड सिंगल चैनल ABS के साथ आपको 45 प्लस माइलेज भी ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको काफी फ्यूचरिस्टिक 160 सेगमेंट के अंदर बाइक देखने को मिल रहा है जो कि TVS Apache RTR 164B के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।